वेलकम बैक टू अवर डेली कस्टम। मैं हूँ कैस्पर, स्वागत है आपका मेरे और डेली कस्टम में। हमारे पास सारी टीम्स आ चुकी हैं लॉबी पे, कुछ प्लेयर्स अभी भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं लॉबी। बढ़ते हैं हम प्लेन पाथ की ओर। आज का हमारा मैप है बरमूडा। हमारा प्लेन स्टार्ट हो चुका है। प्लेन पाथ आज पोचिनोक से होकर जाएगा। देखना ये कौन सी टीम पोचिनोक पे ड्रॉप लेती है, क्योंकि ये गाइस हॉट ड्रॉप माना जाता है एक तरह से बरमूडा का। ये हो गया, एक टीम किसी ने ड्रॉप लिया है। टीम नंबर वन की बात करें तो किलर दीप, ओके दीवाना, एस डी शाह एंड मिस्टर राज। टीम नंबर टू के सिर्फ दो प्लेयर्स हैं, किंग एंड सुखी। टीम नंबर थ्री के प्लेयर्स हैं सुमन, अंकित, दानव एंड आर के पागल। एंड टीम नंबर फोर के प्लेयर हैं जीत, शकुनी, ज्ञानेन एंड मोनू के। टीम नंबर फाइव के प्लेयर हैं रावण, आतंकवादी, शिवम एंड बिट्टू एस भाई। टीम नंबर सिक्स के प्लेयर हैं एस बी राज, सुमित, अंश राय एंड विश्व चिल्लर। टीम नंबर सेवन की बात करें तो सोल, अजम, एटीट्यूड, सी एस 99 रावत, ये हमारे पीक पे उतरे हुए टीम नंबर सेवन की टीम। टीम नंबर एट की बात करें तो यहाँ स्टील भी सरथी, लूसीफर एंड सिंगल कभी भी गन नहीं मिली है, वह लूट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं कौन से कहाँ पे उनको लूट मिल सकती है थोड़ा। टीम नंबर नाइन की बात करें तो गोलू, नीमो, मनीष एंड प्रतीक टीम नंबर नाइन के प्लेयर्स हैं। टीम नंबर टेन भी दो प्लेयर्स हैं, सेवन एस रावण एंड किंग सूर्य। किंग सूर्य ने स्पॉट किया है, पीक पे उतरे, इनके सामने एक और टीम उतरी हुई थी, तो देखना ये यहाँ पे फाइट ये लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने फायर तो दे दिया है, इनकी लोकेशन तो पता चल गई है सामने वाले बंदे को। देखना ये यहाँ पे ये दो प्लेयर्स कैसे इस फाइट को निकालते हैं। बढ़ते हैं टीम नंबर इलेवन की तरफ। यहाँ पर दीपक, एस के, ओ पी, हमारे जहाँ दिख रहे हैं हमें। टीम नंबर ट्वेल्व की बात करें तो डार्क स्पिरिट, इरफान भाई, हर्ष एंड गोकू आज एक टीम पे हैं। गोकू की शायद आज टीम नहीं आई है, पर गोकू यहाँ पे लेटे हुए, सॉरी कोई ना, ये बाद में भी लूट कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। यहाँ पे टीम नंबर वन के प्लेयर ओके दीवाना डाउन हो चुके हैं, किलर दीप को भी शॉट पड़ा, ये भी नॉक हो चुके हैं। देखना ये इन्हें रिवाइव दिया जाएगा या नहीं। यहाँ पे गन नहीं अच्छी, क्या ही नॉक निकाला है शॉट गन से। लेफ्ट से शॉट करेंगे, यहाँ पे एस डी शॉट नॉक होते हैं मिस्टर राज कवर करने के लिए। गन्स काफ़ी अच्छी नहीं है गाइस, इनके पास सामान से ये चौधरी निकाल पाते हैं। यहाँ पे नॉक निकाला है मिस्टर राज नहीं, पूरा फिनिश किया है, पर टीम नंबर वन का यहाँ अर्ली एग्जिट होता हुआ। टीम नंबर सिक्स के पे यहाँ पर एक और प्लेयर कर रहे हैं तो है, और फिनिश भी करेंगे पूरा। टीम नंबर एट का भी एक प्लेयर लूसीफर डाउन हो चुके हैं पूरे, बचे हुए थ्री मैन स्क्वाड। पर टीम नंबर सिक्स के प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा डिफीट किया टीम नंबर वन अर्ली एग्जिट आज के गेम पे लेती हुई। विराज वन वी वन फाइट पे यह अपने नाम करते हुए वन वी वन फाइट की को। बढ़ते टीम नंबर टेन की तरफ तो सेवन एस रावण को फिनिश कर दिया गया, किंग सूर्या बचे हुए हैं लास्ट, सॉरी सूरज। पर नहीं, सामने वाला प्लेयर कवर पे जाते हुए, इनके हाथ पे ऑग दिख रही है हमें और MP40। इनके क्लोज पे बंदा आ चुका है, इन्होंने सुन तो लिया है। देखते हैं किंग सूर्य इस फाइट को कैसे निकालते हैं। टीम नंबर 11 ने भी गाइस एग्जिट ले लिया है। यहाँ पे फिनिश होती हुई टीम नंबर 10। टीम नंबर 7 इनके ऊपर किया था, थ्री मैन स्क्वाड थे, काफी अच्छा खेला इन्होंने। यहाँ पे रावत के पास एक किल है और सोल अजम के पास एक किल है।
सेम टीम नंबर 5 की तरफ, तो यह अभी भी लूट कर रही है क्लॉक टावर के आसपास। टीम नंबर 4 को देखा जाए तो वह काफ़ी दूर उतरी हुई है नाम विलेज पे। इनके टीममेट्स जीत गए एंड साथ पे ही खेल रहे हैं। इनके टीम नंबर 3 को देख लेते हैं तो ये केप टाउन पे उतरी है के प्लेस पी सुबन दानव एंड आर के पागल साथ पे हैं। इनके सारे प्लेयर्स को क्लोज है, बाइक लेके जोन पे एंटर करने की कोशिश करेंगे। टीम नंबर 2 के 2 प्लेयर्स हैं आईएनडी किंग एंड सुक्की, दोनों आसपास खेल रहे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं। यहाँ एस बी राज की टीम फैक्ट्री पे आ चुकी है, टावर होल्ड करने की कोशिश पे है। अपने टीममेट से काफ़ी दूर लग रहे हैं एस बी राज, क्यों ये नहीं समझ आ रहा। अजम फाइट शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे ग्रोजा से, शायद डैमेज नहीं दे पाएगी, उसको डैमेज पड़ रहा है। यहाँ पर रावत ने बंदर शॉट नॉक निकाला है, रावत ने कराएंगे रावत को भी जाना पड़ेगा। इन्हों एक एचपी बची हुए एक्चुअली, एक गोली और डाउन। टीममेट कवर करेंगे इनको, शॉट गया है, डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों बंदे अलग अलग गाइस फाइट ले रहे हैं, क्यों पता नहीं। यहाँ पे रावत ने फिर से किल निकाला, निकाल दिया पूरा, लास्ट मैन टीम 8 नंबर 8 का बचा हुआ है। इन्हीं की फाइट चल रही थी टीम नंबर 7 के साथ, लास्ट मैन स्टील बचे हुए अपनी टीम के। अगर टीम नंबर 7 को पता चला लास्ट मैन बचा हुआ है, चार्जिंग की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पे एटीट्यूड ने स्पॉट किया है, यहाँ पे रावत रश करेंगे पूरा चार्जिंग करने की कोशिश। यहाँ पर फिनिश डालते हुए टीम नंबर 7 को एग्जिट कर दिया इन्होंने गेम से। रावत का काफ़ी अच्छा गेम प्ले लग रहा है गाइस, काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे आज हमें। बढ़ते टीम नंबर 9 की तरफ, दो हेडशॉट पड़े हैं, टॉप के सारा फिनिश करने के जाएंगे और इन्होंने फिनिश किया। एटीट्यूड को टीम नंबर 7 के प्लेयर को इन्होंने पूरा नॉक फिनिश कर दिया। टीम नंबर 7 को पता चल गया कि इनके आसपास एक और टीम है। हम पे गोलू डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस पास से, चारों प्लेयर साथ पे खेल रहे हैं। फिर रावत ने फिर नॉक निकाला, फिनिश डालेंगे। अलग एंगल से जाने की कोशिश, यहाँ पे अमन पूरे फिनिश हो गए, रिवाइव नहीं मिल पाया उन्हें क्योंकि क्लोज में बंदे थे, रिवाइव देना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे रावत को फिनिश कर दिया गया किंग ने। ओके ये दो मैन स्क्वाड थी, टीम नंबर 2 के सुखी भी फिनिश हो चुके, किंग ने यहाँ पे रावत को फिनिश कर दिया पूरा। लास्ट में बचे हुए टीम नंबर 2 के प्लेयर किंग, टीम नंबर 3 क्लोज इन करेगी या नहीं, ये जोन एंटर कर रही है, अभी जोन पे आ चुकी है, कवर लेने की गाड़ियाँ फोड़ी जा रही है। बात करें टीम नंबर 4 की तो यहाँ पे यह जोन के एच पे अभी टीम थोड़ा लेट रोटेशन डाल रही है। नंबर 5 प्लेयर को शॉट कर रहा है, जोन ने शॉट लेने की कोशिश की है, अलग एंगल बनाएंगे।
डार्क एंगल से इन्हें शॉट पड़ रहा है। कवर पे जाएं, लेफ्ट में ग्लू बॉल लगा ले भाई। दो मैन बचे हुए टीम नंबर फाइव के। दोनों बंदे काफी अच्छा डोमिनेट करते हुए हमने वाली टीम को। क्या ही शॉट गन चलाई गाइस, क्या ही शॉट गन चलाई शुभम ने। फाइट अपने नाम करती हुई टीम नंबर फाइव। टीम नंबर सिक्स के लास्ट मैन बचे हुए हैं एसबी राज, अभी भी टावर पे घुसे हुए हैं। किसका डर है इन्हें यह नहीं समझ पे आ रहा। लास्ट मैन बचे हुए अपने स्क्वाड के, इनके सामने फैक्ट्री है शायद इसलिए यह कवर पे। यहाँ पे मनी हाइस्ट का स्टिकर बनाते हुए दिखा रहे प्लेन बरमूडा। यहाँ पे पी सुमन देख लेते हैं हम, फाइट हुई है टीम की, पूरा नॉक फिनिश कर दिया इन्होंने। किंग कहाँ गए, एक से किंग को फिनिश किया गया है इनके द्वारा। सुमन ने किंग को फिनिश कर दिया यहाँ पे। टीम नंबर फोर अभी जोन पे एंटर करने की कोशिश कर रही है अपने प्लेयर्स के साथ। टीम नंबर फाइव की बात करें तो दो मैन बचे हुए हैं, अभी जोन के थोड़ा बाहर हैं, एंटर करेंगे जल्दी ही। एसबी राज जोन पे ही है, सिर्फ एक टावर होल्ड कर रहे हैं अभी गाइस। यहाँ पे आज टीम नंबर 12 का भी फिनिश हो चुका है पूरा। डार्क स्पिरिट की टीम भी जा चुकी है आज। सॉरी हमें ये फाइट नहीं दिखा पाए, बट आज काफ़ी जल्दी फाइट हुई है सारी टीम्स के बीच, क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे उतनी अर्ली फाइट हमें देखने को मिलेगी। टीम नंबर 9 जोन के सेंटर पे जाने की कोशिश करेगी। फोर मैन स्क्वाड बची हुई है टीम नंबर 9। शायद आज हमें एक न्यू टीम का गेम विनिंग दिख सकता है, न्यू प्लेयर्स आज गेम जीतेंगे। काफ़ी बार यहाँ हमारे कस्टम में डार्क स्पिरिट की टीम ने गेम अपने नाम किया है, पर आज हमें कोई नई टीम देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। काफ़ी प्लेयर्स बचते हुए, टोटल 14 प्लेयर्स अभी भी अलाइव हैं। यहाँ पे फैक्ट्री के पास ज्ञानेन दिख रहे हैं, एक प्लेयर टीम नंबर फोर ने भी खो दिया है अपना। सारी टीम्स जोन एंटर कर रही है गाइस। एसबी राज लास्ट मैन बचे होल्ड कर रहे हैं। हैशटैग फाइव के अंदर तो इन्होंने ला लिया है शायद अपनी टीम को। यहाँ पे प्रतीक डाउन है टीम नंबर 9 के, रिवाइव दिया जाएगा इनको के द्वारा। यहाँ पे क्या ही, पहले रिवाइव दो फिर फाइट लो गाइस। टीममेट है वो तुम्हारा, गलती कर दी। लास्ट मैन बचे हुए हैं, रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं अभी। मेनो शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं ओपन फील्ड, वो भी रिवाइव मिल जाएगा। अपने टीममेट को रिवाइव देने की जरूरी है उनको। दो प्लेयर डाउन है ऊपर, पूरे फिनिश कर दिए जाएंगे। लास्ट मैन बचे हुए नीमो, इन्हें भी अगर स्पॉट किया तो फिनिश कर देंगे पूरा। पूरी टीम चार्ज इन करेगी अब इनके ऊपर। यहाँ पे टीम नंबर थ्री की टीम थी, दुश्मन बाहर है जोन के अभी। दानों ने स्पॉट जरूर किया है। जोन एंटर करने की कोशिश की जा रही है टीम नंबर 3 के द्वारा। टीम नंबर 4 भी जोन पे बढ़ते टीम नॉक निकाला है।
बात करने को जाएंगे। फिनिश कर दिए पूरा। टीम नंबर 5 के 2 प्लेयर्स बचे हुए। रावण रावण की गाइस 5 किल्स हो चुकी है। यह बंदा नहीं मानेगा, सबको ठोकेगा। दो प्लेयर्स बचे हुए, दोनों काफ़ी अच्छे एक दूसरे को कवर चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा। टीम नंबर 4 जोन कैच पे आ चुकी है। देखते हैं मैच भी राज को, मैं जोन एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। अभी देखना ये है कि टीम इनको जोन एंटर करने देती है या नहीं। इनको नहीं पता है कि इनके सामने एक टीम बैठी हुई है टावर के पास। जोन एंटर कर चुके हैं अपनी टीम अलोंग विद हिट्स प्लेयर्स। हाँ पी सुमन पत्थर का कवर लेते हुए खुद को बचाने की कोशिश। टीम नंबर 5 भी आ चुके हैं गेम पे। इन्होंने इन्होंने शॉट किया है रावण ने, शॉट लेना प्रायोरिटी है जोन को। फिर रावण ने नॉक निकाला है, खुद को बचाएंगे ग्लू वॉल लगा के। एक बंदा और यहाँ पे रावण डाउन होती हुए। देखना ये शिवम रिवाइव देंगे या नहीं। हाँ रिवाइव के लिए तो जा जरूर रहे हैं, कोई और टीम का शॉट ना पड़े बस। यहाँ पे रावण को फिर से रिवाइव मिलता हुआ, रावण गेम पे वापस आते हुए। एस बी राज थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदम बढ़ा है जोन पे अटैक करने की। मैं शॉट नहीं लेंगे, उन्हें पता है कि इन टीम को लड़ने दो, लास्ट मैन बचेगा हम घुस जाएंगे। जान रहे हो वह टीम चार्जिंग कर रही है राउंड की टीम। क्या ही प्यारा खेला इन दोनों प्लेयर्स ने। यहाँ हमें तीन टीमें दिख रही हैं, 2v1v1 की फाइट है यहाँ पे। यहाँ पे एस बी राज फाइट दिख सकते हैं और एस बी राज को पूरा फिनिश कर दिया गया सुमन के द्वारा। गाइस कहाँ देख रहा था एस बी राज, समझ नहीं आ रहा भाई। इसलिए एयरफोन्स जरूरी है, इसलिए एयरफोन्स जरूरी है। मैं जोन एंटर कर लेंगे पूरा। तो सुमन को डैमेज पड़ा है, दोनों प्लेयर चार्जिंग करेंगे अलग अलग एंगल से। यहाँ पे रावण यह गेम निकाल लिया, काफी किया इस दोनों प्लेयर ने मिलकर आज। वो भी 4v5 निकाल ली, 2v5 निकाल ली। काफी अच्छा गेम दिखाया इस बंदे ने। टोटल 12 किल के साथ फर्स्ट पोजीशन बुआ करते हुए। सेकेंड पोजीशन पे आई है सुमन अंकित दानव एंड आरके पागल की टीम टोटल 5 किल्स के साथ। थर्ड पोजीशन पे आए एस पी राज सुमित अंशराय एंड विशु चिल्लर 3 किल्स के साथ। एस बी राज काफ़ी अच्छा होल्ड किया लास्ट तक और अपनी टीम को अच्छे पोजीशन पे ले आए। फोर्थ पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे जीत शकुनी ज्ञानेन एंड मोनू आए हुए हैं फोर्थ पोजीशन पे। फिफ्थ पोजीशन पे आई है गोलू निमो मनीष एंड प्रतीक की टीम। सिक्स पोजीशन पे आई है किंग सुखी सेवन डार्क स्पिरिट हर्ष इरफान एंड गोकू 1 किल के साथ। एट पोजीशन पे आई है सोल अजम एटीट्यूड एंड रावत की टीम। रावत ने भी काफ़ी अच्छा खेला था गाइस, 5 किल सब अकेले किए उन्होंने खुद से। अच्छा डोमिनेशन दिखा रहे थे हर टीम के अगेंस्ट। 9 पोजीशन की बात करें तो स्टील लूसीफर बी सर्थी एंड सिंगल 2 किल्स सिर्फ लूसीफर के हैं। 10 पोजीशन पे आई है 7S रावण किंग सूरज 0 किल्स के साथ। 11 पे आई है दीपक टाइगर ओपी समीर एंड उमर हज। 12 पोजीशन पे आई है किंग किलर दीप HD साहब ओके दीवान एंड मिस्टर रजा टोटल 3 किल्स के साथ। यह पोजीशन टीम 12 पोजीशन पे आई है। इस काफ़ी अच्छा गेम प्ले था सारी टीम के अगेंस्ट, पर कुछ दो बंदे काफ़ी अच्छा खेले आज, एक रावण और एक रावत ने काफ़ी अच्छा डोमिनेशन दिखाया बहुत टीम के अगेंस्ट। एंड रावण के साथ उनके टीममेट जो शिवम थे वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे।
उनका जो साथ प्रोवाइड कर रहे थे हर फाइट में वह काफ़ी अच्छा था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के कस्टम में। और अगर आपको हमारे डेली कस्टम खेलने हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आईडी पास आपको डेली मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे कस्टम अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए डेली ऐसे ही कस्टम्स लाते रहेंगे। तो मिलते हैं कल के कस्टम में, तब तक के लिए गुड बाय।